हेलो दोस्तों, मेरा नाम गमेर सिंह रणावत है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज जानते हैं 5 किलोवाट सोलर सिस्टम से क्या खेत का 5 HP सोलर पंप चला सकते हैं, क्या 1.5 टन की ऐसी चला सकते हैं क्या। इसके साथ में ही 3 HP की चक्की, गीजर एवं घर का पूरा लोड चला सकते हैं क्या। इसके लिए आज मैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके फिर लोड दिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, 5 किलोवाट सोलर पैनल, GI का स्ट्रक्चर, हाइब्रिड इन्वर्टर अपग्रेड का, क्योंकि हमें रात को भी चलाना है, 150 AH की बैटरी, आपके आवश्यकता अनुसार मैक्सिमम 5 किलोवाट पर आप 8 बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉपर की अर्थिंग रोड 2, लाइटिंग अरेस्टर व कॉपर की रोड, ACDB DCDB बॉक्स, ACDC वायर, MC4 कनेक्टर, पंप, मोटर, कंट्रोलर, रस्सा, पाइप, केबल, इन सभी की आपको जरूरत पड़ती है। साइड विजिट दोस्तों, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप जिस छत पर सोलर लगाने जा रहे हैं वहां का स्पेस कितना है। नॉर्मली 5 किलोवाट के लिए 500 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन पास में थोड़ा बहुत स्पेस और रखना पड़ता है। कुल मिलाकर आपको यहां पर 600 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता पड़ती है। और छत के आसपास में यह देखना है कि छज्जे की छाया या फिर किसी पेड़ की छाया नहीं आ रही हो, वहां पर सोलर इंस्टॉलेशन करना है। सोलर स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर लगाने से पहले आपको छत का साउथ डायरेक्शन देखना होता है। इसके लिए आप कंपास एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर की जो ढलान है वो साउथ दिशा में रखना होता है और एंगल आपके एरिया के हिसाब से, जैसे राजस्थान में 27.0238 डिग्री, आप 25 से 27 डिग्री तक का एंगल इसमें रख सकते हैं। अब आप यहाँ 8-8 पैनल के 2 स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ताकि मजबूती बनी रहे। स्ट्रक्चर GI कोटेड होने चाहिए ताकि ज़्यादा समय तक चले और उस पर जंग नहीं आए। आपको यहाँ पर आगे व पीछे के लेग लगाने हैं, फिर इस पर परलिन, राप्टर, कपलर आदि से मजबूत स्ट्रक्चर को तैयार करना है। इसकी छत से मजबूती देने के लिए आप फास्टनर यूज कर सकते हैं, लेकिन छत की साइज पर निर्भर करेगा। अगर छत की साइज कम है, आप फास्टनर यूज कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, तो बारिश के दिनों में पानी टिपकेगा। इसलिए यहाँ पर आप अच्छा आप सिविल मसाला जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट, पानी का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन की पूरी प्रोसेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आई बटन पर जाइए आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, हम यहाँ पर पॉली टेक्नोलॉजी के 335 वाट के 16 पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। पैनल को स्ट्रक्चर पर लगाते समय जंक्शन बॉक्स को ऊपर की साइड में रखना होता है। यहां पर पहले व अंतिम पैनल को एंड क्लैंप, जैसा आप देख रहे हैं, उसकी सहायता से टाइट करेंगे। बाकी के सारे जितने भी पैनल बच रहे हैं उनके बीच में मिड क्लैंप लगेगा और अच्छे तरीके से टाइट करना है। अब बारी आती है कनेक्शन की। इसमें हम एक पैनल का प्लस टर्मिनल व दूसरे पैनल का माइनस टर्मिनल कनेक्ट करके पूरा सीरीज कनेक्शन बना देंगे। अंत में बचेंगे 2-2 वायर। यहां पर 4 वायर बच रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है, 8 पैनल का सीरीज अलग बनाया है और 8 का अलग बनाया है, ताकि अगर ज्यादा लोड आए तो वायर जले नहीं, शॉर्ट सर्किट न हो। अब बारी आती है इन्वर्टर इंस्टॉलेशन की। यहां पर हम हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है। दिए हुए कनेक्टर मेल फीमेल को आपस में जोड़ना होता है। यहाँ पर आपको एक ACDB और DCDB बॉक्स भी लगाना होता है। यह इन्वर्टर के साथ में ही आता है। आपको यहाँ लाल कलर का कनेक्टर दिखाई दे रहा है, उसको आपस में कनेक्ट करना है, जैसा मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ अभी। इसे हम कील की सहायता से दीवार में भी लगा सकते हैं। और आपका जो ACDB DCDB बॉक्स है, इन्वर्टर है, ये भी एक स्मार्ट इन्वर्टर है जिसे आप दीवार पर लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। अब आपको इसमें चेंज ओवर भी लगाना होता है। चेंज ओवर का काम यह रहेगा कि एक पार्ट तो पूरा घर का लोड, एक पार्ट पंप का लोड। जैसे आपको घर का लोड चालू करना है तो पंप बंद हो जाएगा, और जैसे आपको पंप चालू करना है तो आपका घर का लोड बंद हो जाएगा। तो इस तरह आप जैसा देख पा रहे हैं वैसे आप पूरा कनेक्शन कर दीजिए।
एसीडीपी डीसीडीपी बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि सोलर पैनल का कनेक्शन यहाँ करना होता है, इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ करना होता है, अर्थिंग का कनेक्शन यहाँ करना होता है। बैटरी इंस्टॉलेशन, यहाँ पर हम चार बैटरी लगा रहे हैं जैसे हमारी आवश्यकता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार अधिकतम 8 बैटरी 5 किलोवाट सोलर सिस्टम पर लगा सकते हैं। 8 ही बैटरी को आप सीरीज कनेक्शन में जोड़ दीजिए, फिर लास्ट में 2 टर्मिनल बचेंगे। तो इन्वर्टर से 2 टर्मिनल केबल निकल रही हैं, उसको बैटरी के प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग इंस्टॉलेशन, अर्थिंग के लिए आपको यहाँ पर 2 अर्थिंग करना होता है, पहला एसी अर्थिंग व दूसरा डीसी अर्थिंग। 2 कॉपर की रोड लेनी है, 1 मीटर गड्ढा खोदना है, उसमें रोड को रखना है, फिर मिट्टी व साथ में आए हुए केमिकल कंपाउंड जो मॉइस्चर बूस्ट का काम करता है उसे डाल देंगे और उसके साथ में ही मिट्टी डाल देंगे। अब जो वायर आ रहा है उसका कनेक्शन इसमें कर देंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा पानी भी डाल देंगे, एक ही बार पानी डालना है। आप इसकी प्रोसेस आई बटन पर वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, पूरी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉलेशन, जिसे हम तड़ित चालक भी बोलते हैं, बिजली गिरती है तब काफी सारा नुकसान हो जाता है, इससे बचने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर। यहाँ पर आपको एक कॉपर की रोड लेनी है, ऊपर 5 नुकुले छुरे लगाएंगे व इसे छत के ऊपर जैसा आप देख रहे हैं उस प्रकार से आप इसे दीवार के ऊपर लगा देंगे, न कि सोलर के ऊपर। अब हम एक वायर लेंगे जिसका पहला कनेक्शन कर देंगे इस रोड के ऊपर, फिर दूसरा जो मुंह है उसका कनेक्शन जमीन में आप अर्थिंग की तरह एक रोड गार्ड कर उसमें कर देंगे। सोलर पंप इंस्टॉलेशन, यहाँ पर 325 फीट गहराई से पानी निकालने के लिए सोलर पंप लगा रहे हैं हम यहाँ पर। यह है 2 इंच का पाइप जिसका रोल बना हुआ है, इसे हम खोल कर लंबा कर रहे हैं। यह है प्योर एसिस का, यानी कि पूरा स्टील बॉडी का सोलर पंप जो 5 HP का है और हेड 100 मीटर है, यानी कि लगभग आप देख लीजिए 300-350 फीट तक से पानी आराम से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप सोलर मोटर हैं जिस पर क्लियरली लिखा हुआ है 5 HP और साथ में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3 फेज में और 380 वाट मैक्सिमम और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ चल जाती हैं। नीचे की तरफ आप सीरियल नंबर देख पा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है 19 दिसंबर 2020। अब आपको पंप के ऊपर लगा हुआ एक केबल सेफ्टी गार्ड है, इसे आप खोल के साइड में रख लीजिए। फिर आप आइए यहाँ पर मोटर की तरफ, तो मोटर के ऊपर आप देख रहे होंगे 4 बोल्ट लगे हुए हैं, उसको आप खोल लीजिए और साथ में ही काले कलर का एक ढक्कन है उसे भी निकाल दीजिए। इसके साथ में आए हुए एक सफ़ेद कलर का ग्रीस का पाउच होगा उसे खोलिए और उसको आपको यहाँ पर जहाँ से आपने कैप निकाली इसके मुँह पर यहाँ पर आप हल्का हल्का सा अब पंप को पाइप से जोड़ेंगे। इसके लिए पाइप को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के लिए आप पुराना ऑयल लीजिए, ऑयल को पूरा गर्म कर दीजिए, फिर उसके अंदर पाइप को डुबाइए, फिर आप उस पंप का जो मुंह है उसको आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। अब हम मोटर व पंप को एक साथ जोड़ देंगे, दोनों के बीच में एक जाली लगा देंगे ताकि अंदर रेत व कंकर नहीं जाएं और अपने मोटर सही सलामत रहें। अब केबल को जोड़ देंगे, फिर जहां अपन ने एक केबल सेफ्टी गार्ड हटाया था उसके अंदर हम यहां पर केबल को रख के फिर वापस से उस सेफ्टी गार्ड को यहां पर लगा देंगे। अब यहां पर रस्से को इस तरीके से बांधना है कि खुले नहीं और पूरा लोड रस्से के ऊपर ही रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं इस प्रकार आप इसे। अब रस्सा केबल व पंप सेट को उठाकर बोरिंग के अंदर उतारना है, आप धीरे से उतारिए और थोड़ा उतरने के बाद बीच में केबल को पाइप से बांधना है, फिर ऐसे ऐसे करते थोड़े उतरा फिर बांधा, थोड़ा उतारा फिर बांधा, लास्ट में आप फिर वापस अच्छे तरीके से इस रस्से को यहाँ पर बांधना है ताकि मोटर बोरिंग के अंदर नहीं गिरे। अब आप यहाँ पर ऊपर एक निपल लगा देंगे जिसकी सहायता से आप आगे पानी की सप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहां से कनेक्शन देना है कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर इंस्टॉलेशन, यहां पर आप देख रहे हैं ये एक स्मार्ट कंट्रोलर है जिसे हम लगा रहे हैं। इसको
आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर घर पर ही लगा रहे हैं ताकि खेत पर नहीं जाना पड़े। वैसे तो ये मोबाइल स्टार्टर हैं, लेकिन कहीं कहीं पर नेटवर्क नहीं आने की वजह से ये काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पर भी अभी नेटवर्क नहीं है, या फिर कंपनी कोई डिफॉल्ट है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर करना है, जैसे USB 2.0 पोर्ट, फिर ऑन और ऑफ का यहाँ पर भी दिख जाता है और डिस्प्ले के ऊपर भी दिख जाता है। यहाँ पर मैं सोलर पैनल का प्लस का वायर और माइनस का वायर कनेक्ट कर दूंगा, फिर RS-485 पोर्ट दिखेगा, और फिर ये आगे वाला जो पोर्ट है वहाँ से मैं आउटपुट दूंगा, यानी कि मोटर के लिए जो केबल आ रही है वो यहाँ पर लगाऊंगा। इसमें एक ऑप्शन और मिल जाता है कि अगर आप जैसे ग्रिड से अगर आप अपनी मोटर चलाना चाहते हैं तो भी आप इस पोर्ट में लगाकर चला सकते हैं। तो इस तरह आपका पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाता है, और इसके बाद हम यहाँ पर 3 HP का चक्की चला सकते हैं, 1.5 टन की AC चला सकते हैं, 2-2 किलोवाट का गीजर चला रहे हैं, यानी कि 4 किलोवाट का गीजर चल रहा है, घर का पूरा लोड चल रहा है। लेकिन रात की बात करें अगर, तो आपकी आवश्यकता अनुसार आपको बैटरी लगानी जरूरी होती है। जैसे आपका लोड ज़्यादा है तो आपको बैटरी ज़्यादा लगानी है, लोड कम है तो आपको बैटरी कम लगानी है। लेकिन अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है नेट मीटरिंग की, और जैसा कि ये हाइब्रिड ऑफग्रिड इन्वर्टर लगाया है, वहीं पर आपको हाइब्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत होती है। नेट मीटरिंग के लिए RSEB ऑफिस में जाके आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया वैसे तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही कर देता है, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम ID पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, साथ में घंटी का निशान दबाना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।